Hello everyone, this is Harshan, a proud Fintrammer and a faculty for Financial Accounting. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे non-current assets and intangible assets के बारे में. Assets क्या होती है हमारी? जो हमारे business में होती हैं, जिससे हमारी productions होती हैं, जिससे हमारे revenue generate होता है, जिससे हमारी income earned होती है. वो सारी चीजें क्या हैं? हमारी assets होंगी. Assets के बारे में बहुत अच्छे से detail में पढ़ने वाले हैं. लेकिन इससे पहले अभी तक क्या cover करा हमने? अभी तक हमने एक बिजनेस स्टैंड किया है, एक बिजनेस खड़ा करा. बिजनेस में क्या थी हमारी? बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, उनको हमने प्राइमरी बुक्स में डाल दिया. प्राइमरी बुक्स कौन सी थी हमारी? सेल्स बुक्स, रिसीवेबल्स बुक्स, परचेज बुक्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल बुक, जो भी हमारी बुक्स में आता था वो हमने सारी ट्रांजेक्शन को डाल दी. अब उन ट्रांजेक्शन को क्या करना था? हमें समराइज करना था, लेजर बनाने थे और लेजर को क्लोज करना था. अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में. तो स्टार्ट करें. नॉन करेंट एसेट्स क्या है हमारा? नॉन करेंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? एक बार वो देखते हैं. सबसे पहला आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. लॉन्ग नॉन करेंट एसेट्स क्या होती हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं. लॉन्ग टर्म के लिए कैसे? कि जो काफी सालों साल तक वो एसेट्स चलती रहेंगी. जैसे हमारा एक फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है हमारे बिजनेस में, मशीनरी होती है, फर्नीचर होते हैं जो काफी टाइम तक रहेंगे हमारे बिजनेस में, तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म इन नेचर है. आर नॉट नॉर्मली एक्वायर्ड फॉर रीसेल. मतलब अगर हमने कोई नॉन करेंट एसेट, मतलब अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है बिजनेस के लिए, तो क्या वो हम उसे वापस सेल कर देंगे किसी और को? नहीं, हम उसे क्या करेंगे? अपने बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो उसको रीसेल नहीं करते. तो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है हमारी? जो नॉन करेंट एसेट्स हैं, जो रीसेल नहीं होंगी, जो हमारे बिजनेस में ही रहेंगी. और क्या होता है नॉन करेंट एसेट्स? कुड बी टेंजिबल और इंटेंजिबल. नॉन करेंट एसेट्स या तो टेंजिबल हो सकती है, मतलब टेंजिबल एज इन जिनका फिजिकल सब्सटेंस हो, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें कि हाँ, लाइक आई हैव दिस पेन इन माई हैंड, वॉट इज दिस? इट इज अ टेंजिबल एसेट. लेकिन नॉन टेंजिबल एसेट वो क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा? Something that does not have any physical substance, like Fintram. It's a name, it's a non-current asset, but it's also a intangible asset. Why? Because this is our patented right, this is our name, this is our goodwill. So, वो क्या है हमारी? Intangible asset है. Are used to generate income directly or indirectly for a business. Non-current assets किसके लिए use होती है? जो इनकम जनरेट करे, या तो डायरेक्टली इनकम जनरेट करेगा या फिर इनडायरेक्टली तरीके से. इनडायरेक्टली कैसे? प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए यूज हो रही है? हमारी प्रोडक्शन के लिए. प्रोडक्शन से एक प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को हमने सेल किया, सेल से हमारे पास इनकम आ रही है. अब जो इनकम आई है वो तो प्रोडक्ट सेल करने से आई है, लेकिन वो अल्टीमेटली कहां से यूज हुई है? हमारी प्लांट एंड मशीनरी से. आर नॉट नॉर्मली लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब होता है? लिक्विड का मतलब कि आपके बैंक में पैसा है, आपको जब निकालना है तो वो क्या है? आप निकाल सकते हैं. विद इन सेकंड्स आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, तो वो क्या है? आपकी लिक्विड एसेट्स है. और क्या हो सकता है लिक्विड एसेट्स? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या? कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बटन क्लिक करा और आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कैश में ट्रांसफर हो गई. शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट, जैसे सिक्योरिटीज एंड शेयर्स. इनमें क्या करना होता है? सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है फोन से और लैपटॉप से, और आपके शेयर सारे सेल हो जाएंगे और जितना भी इन्वेस्टमेंट उससे रिटर्न में आएगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा. लेकिन नॉन करेंट एसेट्स है, ये लिक्विड नहीं है. लिक्विड क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको सेल करने से हमारे पास बहुत जल्दी पैसा नहीं आएगा. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कस्टमर सर्च करना पड़ेगा, कस्टमर से बातें करनी पड़ेगी, काफी सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे. लिक्विड एसेट्स जो होती है जो काफी जल्दी कैश में टर्न हो जाए. लेकिन हमारी जो मशीनरी है, जो नॉन करेंट एसेट्स, जो फर्नीचर है और जो भी प्लांट्स हैं, वो लिक्विड नहीं होते, क्योंकि उनको कैश में टर्न करने के लिए, कैश में चेंज करने के लिए काफी टाइम लग सकता है. तो अब हमें पता चल गया कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है. तो नॉन करेंट एसेट्स में एक्सपेंडिचर भी होते हैं. वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन नेचर एज द बिजनेस इंटेंड टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिलेट्स टू करंट
अकाउंटिंग पीरियड एंड यूज टू जनरेट रेवेन्यू इन द बिजनेस। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो मेरे लिए क्या है, दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज माई नॉन करेंट एसेट। अब उस प्लांट एंड मशीनरी पे मैंने कुछ खर्चा करा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में कुछ बिगड़ गया था तो मैंने मैकेनिक बुलाया, उसने उसको ठीक किया। अब वो जो ठीक करने के लिए जो मैं चार्ज दूंगा, जो मैं मैकेनिक को पे करूंगा, वो क्या है मेरे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये किसके लिए यूज करा, ये तो मशीन को ठीक चलते रहे इसलिए मैंने उसमें कुछ खर्चा करा है, तो वो क्या है मेरे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, पूरा मशीन को खरीदना, जो मेरे लिए क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा। IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IS-16 क्या है, जैसे हमने IS-2 देखा इन्वेंटरीज के बारे में, IS-37 देखा था, कौन सा हमारा IS-37 होगा, हमारा कौन सा कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, वो हम आगे वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही हमारे लॉज और रेगुलेशन होते हैं जो किसने सेट करे हैं, IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। वैसे ही हमारा एक प्रॉपर्टी प्लांट के लिए एक IAS है, वो क्या है हमारा IAS-16। इसके बारे में रीड करते हैं, IAS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दैट शुड बी फॉलोड व्हेन अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे किससे रिलेटेड, हमारी नॉन करेंट एसेट, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट से। हमारी नॉन करेंट एसेट कितने टाइप की है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल के लिए हमारा एक न्यू लॉ है, वो क्या है, IAS-16। इनटेंजिबल के लिए अलग लॉ है, उसके बारे में जब हम इनटेंजिबल के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, द की कंसेप्ट दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन कम फ्रॉम IAS-16 आर वेरी इंपॉर्टेंट। IAS-16 गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ डेफिनेशन दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। कौन कौन सी डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हमारी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स, आर हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स ऐसी हैं जो एक एंटिटी प्रोडक्शन में यूज कर रही है, या किसी को रेंट के लिए दे रही है, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में यूज कर रही है, या फिर गुड्स की सप्लाई कर रही है। गुड्स की सप्लाई के लिए कैसे कर सकते हैं, हम एक ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक ट्रक लिया, ट्रक क्या है मेरी टेंजिबल एसेट्स है। हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए हमने एक रिसेप्शन पे किसी को बिठाया, रिसेप्शन पे हमने क्या करा, फर्नीचर का खर्चा करा, काफी सारी चीजें लगाई उधर, कंप्यूटर्स लिए, लैपटॉप्स लिए, फोन वोन सबको जो भी परचेज करा, वो हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, मोर देन वन पीरियड एज इन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हम एक टेंजिबल एसेट्स को कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, क्या सिर्फ 3 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, सिर्फ 1 मंथ ईयर के लिए परचेज करें उसके बाद थ्रो कर देंगे, नहीं, जो टेंजिबल एसेट्स हम परचेज करते हैं उसको काफी लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम अपने पास रखते हैं। ठीक है, और क्या हमारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, डेफिनेशन, कॉस्ट, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पेड टू द पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू द एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट क्या होगी टेंजिबल एसेट्स की, जो हमने परचेज करने के टाइम पे दी होगी, परचेज करने के टाइम पे जितनी भी रिलेटेड कॉस्ट होगी, किससे रिलेटेड, हमारी टेंजिबल एसेट से रिलेटेड, वो क्या होगी, हमारी कॉस्ट में एड हो जाएगी। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर ए लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। फेयर वैल्यू का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी एसेट को सेल करने वाले हैं तो उस टाइम पे जो भी हमें पैसा मिलेगा वही उसकी क्या होगी, फेयर वैल्यू होगी। अब एक एसेट है हमारी 100,000 की, 1 लाख की एसेट है, अगर हम उसको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो मार्केट में हमें उसके मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 80,000। तो 80,000 जो हमें मिलेगा इन हैंड कैश, वो क्या होगा, हमारा फेयर वैल्यू होगी। उस मशीन की फेयर वैल्यू क्या है, 80,000, क्योंकि वो हमने 100,000 में परचेज की थी, लेकिन अब वो सेल 100,000 में नहीं होगी, वो होगी 80,000 में, तो उसकी फेयर वैल्यू भी क्या हुई, 80,000। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी, कैरिंग अमाउंट कहां पर होगा, हमारी बैलेंस शीट है,
हमारी बैलेंस शीट बनी, हमने बैलेंस शीट में अपनी नॉन करेंट एसेट्स ऐड करी। नॉन करेंट एसेट्स क्या है? हमारी एसेट है, लेकिन उसका अमाउंट क्या जाएगा बैलेंस शीट में? उसका अमाउंट जाएगा जो भी कैरिंग वैल्यू है, उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डिडक्ट करना है, और जो भी अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा वो भी उसमें से रिड्यूस करना होगा, और जो भी नेट अमाउंट आएगा वो क्या होगा? हमारा कैरिंग वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट एसेट्स रजिस्टर्ड रिकॉर्ड ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस। डिटेल्स हेल्ड ऑन सच रजिस्टर में इंक्लूड कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट, सीरियल एंड रेफरेंस नंबर, लोकेशन ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन मेथड। नॉन करेंट एसेट रजिस्टर क्या होता है? जैसे हमारे और भी लिस्ट और रजिस्टर्स है, वैसे ये क्या होता है? नॉन करेंट एसेट के लिए एक रजिस्टर होता है। नॉन करेंट एसेट रजिस्टर में उस एसेट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी लिखी होंगी, जैसे वो कब परचेज करी थी, कितने प्राइस में परचेज करी थी, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस पर, कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, वो सब क्या होगा उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, और क्या क्या होगा हमारे लिस्ट में? एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कि कितने टाइम तक वो हमारी एसेट चल सकती है, और कैरिंग अमाउंट जो भी कैरिंग अमाउंट होगा जैसे नेट बुक वैल्यू। ठीक है, अब जब हम एक्विजिशन करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने नॉन करेंट एसेट के बारे में समझ लिया, अब नॉन करेंट एसेट को क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं। तो परचेज करने पे क्या क्या ध्यान रखना है वो पढ़ते हैं। नॉन करेंट एसेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल नॉन करेंट एसेट एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज ओन एंड वेयर इट इज कैप्ट। अकॉर्डिंग टू IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ और एक्सक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा IS 16 है, IS 16 क्या कहता है कि जब आप नॉन करेंट एसेट परचेज करने जाएंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट होंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने अमाउंट में, और कुछ कॉस्ट होंगी जो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी कॉस्ट है वो एक बार रीड करते हैं। इंक्लूड क्या कर सकते हैं? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कौन सी? जो हमने परचेज करने के टाइम पर दी होगी। डिलीवरी कॉस्ट, लीगल फी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, ट्रायल एंड ट्रस्ट। क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रीपेंटिंग, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड वेस्टेज। ये सारी क्या होंगी? कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाएंगी। इंक्लूड क्या क्या होगा? जो भी एसेट से रिलेटेड है, जो भी एसेट्स जब हम परचेज कर रहे हैं उस टाइम से जो भी रिलेटेड होगा। परचेज करने पे सबसे पहले क्या होगा? हमने एक परचेज गए, हम एक शॉप पे गए, हमने क्या लेना था? एक फर्नीचर लेना था। फर्नीचर लिया तो हमने उसको क्या करा होगा? पे करा होगा। पे जो अमाउंट करा वो हम नॉन करेंट एसेट्स में ऐड कर सकते हैं, मतलब नॉन करेंट एसेट की जो वैल्यू होगी उसमें वो पेमेंट अमाउंट ऐड हो जाएगा। और क्या हो सकता है उसमें ऐड? जब वो शॉप से हमारे ऑफिस तक आया होगा तो जो भी डिलीवरी का खर्चा होगा वो भी क्या कर सकते हैं? हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी एसेट है जिसमें हमने लॉयर का यूज कराया है तो जो भी लीगल फीस होगी वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब डबल एंट्री जो हमारा मेन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। हमने अभी तक नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन नॉन करंट एसेट्स की एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। डेबिट करेंगे हम नॉन करंट एसेट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारी एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? हमारा डेबिट हो जाता है। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा बैंक कैश या पेबल्स। अगर हमने बैंक से पे करा है तो बैंक, कैश से पे करा है तो कैश, और अगर हमने अभी तक पे नहीं करा क्रेडिट पे है तो वो क्या होगा? पेबल्स बन जाएगा हमारा। तो पेबल्स क्या हो जाएगा? एक लाइबिलिटी हो जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, और वो लाइबिलिटी क्या होगी? बाद में पे हो जाएगी। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन द नॉन करेंट एसेट कैन ओनली बी रिकॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट इफ इट एनहेंस द बेनिफिट्स ऑफ एन एसेट, इंक्रीज द रेवेन्यू केपेबल ऑफ बीइंग जनरेटेड बाय द एसेट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर भी हम अपनी नॉन करेंट एसेट की वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैसे होनी चाहिए? जो हमारी एसेट को एनहेंस कर दे, उसको बहुत बेटर कर दे, पहले से बेटर कर दे, ताकि हमारा रेवेन्यू डबल हो जाए या फिर रेवेन्यू और ज्यादा हो जाए या हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। सपोज करते हैं एक मशीनरी थी, हमने मशीनरी में एक एक्सटेंशन ऐड करवा दिया, उस एक्सटेंशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन डबल हो गया। तो अगर वो प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो जो भी एक्सपेंडिचर आया है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जितना भी आया है, हम उसे नॉन करेंट एसेट में ऐड कर देंगे। अब वो क्यों ऐड कर रहे हैं? अगर हमने वो एक्सटेंशन नहीं लगवाया होता तो हम क्या करते? एक और नई मशीन खरीद परचेज करते,
अगर वो परचेज करते तो उस पर कुछ ना कुछ पे करते, वो भी हमारी नॉन करेंट एसेट्स में आता। तो इससे बेटर कि हमने जो फर्स्ट मशीन है उसमें एक्सटेंशन लगवाया और उसका ही जो एक्सपेंडिचर है वो हमने नॉन करेंट एसेट में ऐड कर दिया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। बिल स्टार्टेड ए बिजनेस प्रोवाइडिंग टैक्सी सर्विसेज ऑन 1 जनवरी 2015। इन द ईयर टू 31 दिसंबर ही इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। ऑफिस प्रमाइसेस, उसने ऑफिस में खर्चा किया 1000 का। लीगल फीस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ ऑफिस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर टू पेंट ऑफिस इन बिल्स फेवरेट कलर 300, कार पे खर्चा करा 2000, नंबर प्लेट्स ऑफ कार्स 100, डिलीवरी चार्ज ऑफ कार 50, रोड लाइसेंस फीस फॉर कार 60 पर ईयर, ड्राइवर वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 6000, एंड ब्लैंक टैक्सी रिसिप्ट प्रिंटेड विद अ बिल, बिजनेस नेम एंड नंबर। व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड मोटर व्हीकल्स। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में काफी सारी कॉस्ट दी हमें। एक बिल है, उसने अपना टैक्सी सर्विस का बिजनेस स्टार्ट किया, उस टैक्सी बिजनेस में उसने एक बिल्डिंग खरीदी, एक लैंड लिया, उसने कार्स ली, उस पर और भी कुछ कुछ खर्चे करे। लेकिन हमारी नॉन करेंट एसेट्स कौन कौन सी है और उसमें कौन कौन सी हमारी एक्सपेंडिचर ऐड हो सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट है। साइड में हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, एंड और क्या करना है, निकालना है हमें कार्स, मोटर कार्स का, मोटर कार्स का खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारा 1000 ऑफिस प्रोमाइसेस पे खर्च करा है, तो ये 1000 तो हमने जो ऑफिस प्रोमाइसेस पे खर्च करा होगा, मतलब ऑफिस खरीदने के लिए जो भी पैसे दिए होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, परचेज प्राइस है, तो 1000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 200। 200 किस पे दिया है, लीगल फीस एसोसिएट विद द ऑफिस, तो जो परचेज करा था तो हमारी लीगल फीस लग रही है यहाँ पे, लीगल फीस भी हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, तो 200 बिल्डिंग में ऐड हो गया। 300 कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर टू पेंट ऑफिस इन बिल फेवरेट कलर, ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है जो हमारी लैंड और बिल्डिंग से रिलेट करता हो, क्योंकि ये तो पेंटिंग का खर्चा है, अगर वो पेंटिंग नहीं करते तब भी हमारा ऑफिस चल सकता था। तो ये जो भी एक्सपेंडिचर है ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको तो सीधा पीएनएल में एज एन एक्सपेंस डाल देंगे। उसके बाद है कार्स पे खर्चा करा $2000, $2000 कार्स पे आ गया। 100 रुपी, $100 नंबर प्लेट्स वो कार्स, नंबर प्लेट्स थी, नंबर प्लेट्स पे खर्चा करा $100, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा, हम नंबर प्लेट एक कार की कितनी बार खरीदेंगे, सिर्फ एक ही बार परचेज करना है, कार से रिलेटेड है तो हमने वो एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। 50 डिलीवरी चार्ज फॉर कार्स, 50 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिलीवरी चार्ज एक ही बार लगना है और डिलीवरी मिलनी थी, डिलीवरी चार्ज है तो वो ऐड हो सकता है। और क्या है हमारा, 60 पर ईयर लाइसेंस फीस, पर ईयर देना है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये तो लाइसेंस फी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐड नहीं होगा कार में। और क्या है, ड्राइवर वेजेस फॉर फर्स्ट ईयर ऑपरेशन, वेजेस मतलब सैलरीज, सैलरीज क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, वो तो क्या होगा, पीएनएल में सीधा एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, ब्लैंक टैक्सी रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या है, मतलब ये रिसिप्ट बुक होती है, कोई कस्टमर होगा उसको क्या करेंगे, इनवॉइस देंगे, तो वो इनवॉइस तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्ट तो खत्म होते रहेंगे, फिर दोबारा परचेज करेंगे, फिर दोबारा परचेज करेंगे, तो वो क्या है, हमारा कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीजें हमारी कैपिटलाइज होगी, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई 1200 और मोटर कार्स की कॉस्ट आ गई 2150। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ यही पूछा था कि कैपिटलाइज क्या होगा, कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वो हमने कर दिया। ठीक है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होता है, जो हमारी प्लांटिंग मशीनरी होती है वो यूज होती रहती है, हर साल यूज होती है, तो यूज की वजह से उनमें क्या होता है कि काफी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है, वो स्लो हो जाती हैं, उनसे प्रोडक्शन कम हो जाती है, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी कम होता रहेगा, तो वो ये क्यों होता है, न्यू मशीनरी है, न्यू मशीनरी जब परचेज करी तब तो काफी फास्ट चल रही होगी क्योंकि बिल्कुल न्यू मशीनरी है, लेकिन जैसे जैसे वो यूज होती रहेगी वेयर और टेयर की वजह से वो क्या होगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगना होगा, मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कम होना। एक बार इसको रीड करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, IS-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिफाइंस डेप्रिसिएशन एज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट
ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन में अराइज फ्रॉम यूज, फिजिकल वेयर एंड टेयर, पासिंग ऑफ टाइम, 10 ईयर्स लीज ऑन प्रॉपर्टी एंड डिप्लेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम अ क्वारी। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कौन कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के? लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब कि एक प्लांट एंड मशीनरी होती है, उनकी यूजफुल लाइफ होती है, उस यूजफुल लाइफ के बाद ये मशीनरी बिल्कुल चल ही नहीं सकती। अब एक कार है, कार की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद ये कार चलने लायक होगी नहीं, बहुत प्रॉब्लम करेगी, इससे बेटर तो क्या करना है, इसको बेच देना है या रिन्यू कर देना है, या यूज तो होने लायक है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन करेंगे, हमेशा हर ईयर अपनी प्लांट एंड मशीनरी में से थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम करते रहेंगे। ये वैल्यू क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने 100,000 में अपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, अब वो हर साल डेप्रिशिएट हो रही होगी, मतलब हमारी वैल्यू कम हो रही होगी एसेट्स की। अगर हम उसको 100,000 ही रखेंगे अपनी फाइनेंशियल पोजिशन में, तो फाइनेंशियल पोजिशन क्या होगी हमारी, ओवर स्टेटेड होगी, मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्टेटेड होगी। ओवर स्टेटेड मतलब उसकी वैल्यू काफी ज्यादा दिखाई देगी, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। अगर वो पूरी फाइनेंशियल एसेट की सारी सारी की सारी फाइनेंशियल पोजिशन की एसेट को सेल करें, तो उसकी वैल्यू शायद बिल्कुल भी ना आए, और फाइनेंशियल पोजीशन में तो उनकी वैल्यू काफी हाई होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसके हिसाब से अपनी नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू को कम करते रहते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक कॉस्ट होती है, अगर कोई इसके रेजिडुअल वैल्यू है तो रेजिडुअल माइनस करके यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब जो भी कॉस्ट होगी उस पर एक परसेंटेज चार्ज करेंगे, और जो भी कैरिंग अमाउंट होगा फिर उस पर परसेंटेज चार्ज करेंगे, जो भी कैरिंग अमाउंट होगा फिर उस पर परसेंटेज चार्ज करेंगे। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, यूजफुल लाइफ क्या होता है और रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, उसके बाद इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूजफुल लाइफ क्या होता है, यूजफुल लाइफ मतलब कि वो एसेट कितने टाइम तक चलने वाली है। मतलब एक कार है, कार की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद इसको क्या करना है, इसको पूरा जीरो कर देना है, मतलब हमारे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में से हटा देना है। तो अगर हमने 1 लाख में कार परचेज करी है, तो 1 लाख को हम 5 ईयर्स तक डेप्रिशिएट करेंगे, मतलब हर ईयर 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 डिक्रीज करते रहेंगे, और लास्ट 5th ईयर में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे रजिस्टर में, जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी एसेट से वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में से हर साल निकलती जाएगी, और 5th ईयर में वो बिल्कुल हट जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, उस एसेट को सेल कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब कि जो स्क्रैप वैल्यू आएगी, जैसे कार को सेल करा, कार को तो हम डेप्रिशिएट कर रहे थे 5 ईयर्स पे 20,000 20,000, हमने कार को तो जीरो कर दिया, जीरो वैल्यू लिख दी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में, पर क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू सच में जीरो होगी, नहीं। अगर हम उसको 5 ईयर्स के बाद भी सेल करेंगे, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो उस पर आएगा ही, मे बी सब सिर्फ स्टील का खर्चा आ जाए, सिर्फ जो स्टील है उसके अंदर सिर्फ उसका पैसा आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें से आने ही वाला है। तो वो क्या होगा, हमारी रेजिडुअल वैल्यू होगी, जो यूजफुल लाइफ के बाद हम उसको सेल करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू क्या आएगी, वही होता है हमारा रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटिंग कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से डेप्रिसिएशन खर्चा हो गया, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन क्या जाएगा, हमारे हर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। क्रेडिट क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन वो इकट्ठा होता रहेगा एक जगह, और हमारी एसेट में से जब हम उसको कैरिंग अमाउंट लिखेंगे तो वो हमारी एसेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हमारे, ताकि जितना भी प्लांट एंड मशीनरी का अब तक समझा है, जितना भी अब तक पढ़ा है, वो क्लियर अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करें इसको। हमारा एग्जाम्पल हैरी बॉट अ बोट फॉर बिजनेस, बोट परचेज करी उसने, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, कॉस्ट उसकी आई थी पूरी 1,20,000 इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एक्विजिशन। हैरी विल बी डेप्रिशिएटिंग इट बट ही हैज नो आइडिया विच मेथड टू यूज। कैलकुलेट हैरीज डेप्रिशिएशन चार्ज इफ ही डिसाइड्स टू यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, और बी क्या पूछ रहा है, इफ ही डिसाइड टू यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज 10%, ऑल्सो मेक ऑल द नेसेसरी लेजर अकाउंट। चलो तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें पहले डिटेल देख लेते हैं कि हमें डिटेल क्या मिली है। कॉस्ट क्या है हमारी? कॉस्ट है 1,20,000, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। क्या हमारे पास कोई रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं, कोई भी रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे नहीं दी, तो हम क्या लिखेंगे? रेजिडुअल वैल्यू, उसमें से कोई डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक एसेट परचेज कर रहे हैं, तो एसेट परचेज करने पे क्या होगा? डेबिट बोट और क्रेडिट हमारा कैश, क्योंकि कैश चला जाएगा 1,20,000 से। ठीक है, ये तो हमने क्या करा, अपना एसेट को परचेज कर लिया। अब डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करने के लिए ए में क्या है, ए हमारा बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है हमारा कॉस्ट, तो कॉस्ट है हमारी 1,20,000, और क्या माइनस करेंगे इसमें से? रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू 0 है, और डिवाइड करेंगे किससे? यूजफुल लाइफ से। यूजफुल लाइफ हमारी कितनी है? 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो इसका पर ईयर डेप्रिशिएशन आ गया 12,000। 12,000 डेप्रिशिएशन आ गया। तो अब इसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर में तो कितनी रहेगी? 1,20,000। सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी? ये 12,000 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये 1,08,000 हो गया। फिर क्या होगा, थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू 96,000 हो जाएगी। फिर ऐसे ही 12,000 12,000 करके इसमें से 10 ईयर्स तक ये डिडक्ट होता रहेगा। ये तो था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें से एक ही डेप्रिशिएशन अमाउंट होता है जो फर्स्ट ईयर में डिसाइड हो जाता है, और वही हर ईयर डिडक्ट होता रहता है। लेकिन हमारा बी मेथड क्या है? बी मेथड है हमारा रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मेथड का क्या मतलब होता है? एक परसेंटेज चार्ज करना होता है जो भी रेजिडुअल, मतलब जो भी रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा। जैसे हमारे कॉस्ट है 1,20,000, इसमें से हम क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, और वही क्या होगा हमारा? डेप्रिशिएशन होगा। 10% तो हो गया 12,000। ओके, 12,000 हमारा 10% है, तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन हो गया। सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन कितना होगा? सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन होगा 1,08,000 पर 10%, तो ये कितना हो गया? 10,800। ओके, नेक्स्ट ईयर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 10,800 से जो भी कम होके आएगा उस पर क्या करेंगे? 10% चार्ज करेंगे। फिर जो रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा उस पर 10% चार्ज करेंगे। ऐसे ही इस पर 10% चार्ज करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल जीरो ना हो जाए, या फिर हम इसको डिस्पोज कर दें तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग एस्टिमेट्स। चेंजिंग एस्टिमेट्स का क्या मतलब होता है? चेंजिंग एस्टिमेट्स का मतलब होता है कि हमारे जो डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं या फिर यूजफुल लाइफ है, अगर उसमें कोई चेंज आ जाए। जैसे हम एक वैल्यू को, एक मशीन को 10% से हर ईयर चार्ज कर रहे थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि सिर्फ इस पे 10% नहीं, इस पे तो और ज्यादा डेप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो वो क्या हो गया, एस्टिमेट हमने लगाए थे 10%, लेकिन अब वो चेंज हो गया, डेप्रिशिएशन 10% की जगह 20% हो गया। या फिर एक मशीन थी जिसकी यूजफुल लाइफ हमने एस्टिमेट करी थी कि ये 5 साल तक ही चलेगी, लेकिन 3 साल बाद हमें पता चला कि मशीन तो आज भी वैसी है जब हमने न्यू परचेज करी थी, तो उनको लगा कि इसकी यूजफुल लाइफ और भी ज्यादा होगी, तो 5 ईयर से क्या हो गया? 10 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं और फिर इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। बिजनेस शुड अप्लाई द सेम रेट्स एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ देयर बिजनेस। इवन देन इफ दे बिलीव दैट देयर एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू आर इनअप्रोप्रिएट, दे आर परमिटेड टू चेंज देम विद नो फर्दर रिकोर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एनडी परचेज नॉन करेंट एसेट फॉर 1,20,000। 1,20,000 में उन्होंने नॉन करेंट परचेज करी है ऑन 1 जनवरी 2012। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चेंज एस्टिमेट्स के लिए क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2012 को 1,20,000 की हमने वैल्यू परचेज करी है, मतलब नॉन करेंट एसेट। स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग इट ओवर 5 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू वॉज टेकन एज 20,000। अब इसकी भी डिटेल साइड में लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2012 कितने पर परचेज करी? 1,20,000 पे। रेजिडुअल वैल्यू क्या है हमारी? 20,000। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन। 1 जनवरी 2013 को
अ रिव्यू ऑफ एसेट लाइफ वर अंडरटेकन एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वर एस्टिमेटेड एट 10 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड टू बी नील। मतलब 1 जनवरी 2013, मतलब 1 ईयर के बाद हमने सारी एसेट्स का रिव्यू करा और रिव्यू करके पता चला कि इसकी जो यूजफुल लाइफ है उस टाइम पर कितनी है, 10 ईयर्स है। तो हमने तो पहले सोचा था कि रिव्यूज का मतलब उसको एस्टिमेट करा था कि नॉन करेंट एसेट की वैल्यू 5 ईयर्स है, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, लेकिन 1 साल बाद पता चला इसकी वैल्यू तो आज 1 साल बाद 10 ईयर्स है, मतलब टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, 11 ईयर्स। तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसकी एंट्रीज देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले तो हमने कॉस्ट परचेज करी होगी, तो डेबिट नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि हमने कैश पे करा है। अब क्या होगा, हमारा 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेबिट डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो देखते हैं। अभी हमारे पास कोई भी मेथड नहीं दिया, लेकिन इसमें यूजफुल लाइफ दी है और हमें रेजिडुअल वैल्यू दिया गया, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या लगाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारा पर ईयर का 20,000। 20,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ये तो फर्स्ट ईयर, मतलब 1 जनवरी 2012 का पूरा ईयर, मतलब 31 दिसंबर 2012 तक में क्या हुआ, हमने नॉन करेंट एसेट परचेज करी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 20,000। तो उस नॉन करेंट एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000 है, तो 1 जनवरी 2013 को उसकी कैरिंग वैल्यू है एसेट की हमारी 1 लाख। 1 लाख क्यों, 1,20,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी कितना ही है, अभी तो सिर्फ 20,000 है, तो 1 लाख नॉन करेंट एसेट की वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2013 को। अब 2013 में हमने जब रिव्यू करा तो उसकी वैल्यू जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 10 है, 10 यूजफुल लाइफ है। तो नेक्स्ट ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, और क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखते हैं, 1 लाख हमारी क्या है, 1 लाख हमारी कैरिंग वैल्यू है, मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, 0, और हमारी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10। तो 10 अगर यूजफुल लाइफ है तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,000 पर ईयर, 10,000 हो गया ये। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 10,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा कितना हो गया, 30,000। पहले तो फर्स्ट ईयर का 20,000 और इस ईयर का 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हो गया 30,000। और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2014 में हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000, ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 में कितनी वैल्यू हो जाएगी, 80,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, यहां पर है 30,000, इधर था 20,000, और ये हो जाएगा 40,000। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस तो कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो नेक्स्ट एक्सपेंस है ये जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन में। फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे जाता है, नॉन करेंट एसेट में से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो भी अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारी नॉन करेंट एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है, किसमें, हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब हमने क्या करा, एसेट परचेज करी, एसेट के बारे में सारी कॉस्ट देख ली, क्या एक्सक्लूड करना था, क्या इंक्लूड करना था, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर करके अब हम आ चुके हैं यूजफुल लाइफ एंड पर। तो अब क्या करना है, अब हम करते हैं अपनी एसेट को सेल करते हैं, मतलब उसका डिस्पोजल कर देते हैं। तो डिस्पोजल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स।
IAS 16 says the carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be de-recognized on the disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. IAS 16 क्या कहता है, अगर आपके कोई एसेट है, आपने नॉन करंट एसेट रजिस्टर में से उसको हटा दिया, उसने आपने बिजनेस में से उसको सेल कर दिया, तो आप क्या करो, अपने फाइनेंशियल पोजीशन से भी उसको रिमूव कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको हटा दो। या तो आप सेल कर रहे हो तब हटाओगे, या फिर आप उस मशीन का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो और कभी भी यूज नहीं करोगे आगे, तब भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में से उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। डिस्पोजल करेंगे तो डिस्पोजल पे क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है आपको, अगर आपने एक एसेट थी, ये एसेट है मेरे हैंड में, अगर ये मैंने 50,000 की परचेज करी है और 60,000 में सेल करा है, तो मेरे को 10,000 का गेन हो जाएगा, तो ये गेन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कौन सा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन अगर ये मैंने 50,000 में परचेज करा था लेकिन 40,000 में सेल कर रहा हूं, तो 10,000 का लॉस हो गया, वो सीधा जाएगा मेरा PNL में, ठीक है। अगर कोई भी लॉस और गेन नहीं होता, 50,000 में परचेज करा है, 50,000 में मैं सेल कर रहा हूं, तो कोई गेन और कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। डिस्पोजल देखते हैं, डिस्पोजल फॉर कैश कंसिडरेशन, डिस्पोजल के स्टेप्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, रिमूव द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द नॉन करेंट एसेट्स फ्रॉम द नॉन करेंट एसेट अकाउंट। तो रिमूव कैसे करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट, और हमारी जो नॉन करेंट एसेट है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है, नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब जब हमारी एसेट परचेज हो रही थी तब तो वो डेबिट हो गई थी, अब सेल हो रही थी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। फिर क्या करेंगे, रिमूव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द नॉन करेंट एसेट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से रिमूव करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो हमारा पूरा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होके आ रहा है वो, उसको भी हम क्या करेंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले क्रेडिट होता था, अब डेबिट हो जाएगा, किससे, डिस्पोजल अकाउंट से, ठीक है। रिकॉर्ड द प्रोसीड्स, कैश अमाउंट रिसीव होगा और डिस्पोजल से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट ये होता है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कैश रिसीव हुआ है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जेरी बॉट ए प्लांट ऑन 1 जनवरी 2017 को जेरी ने क्या करा, एक प्लांट परचेज करा, कितने में, 5,000 में। ही सोल्ड इट ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर 1500 में उन्होंने क्या करा, सेल कर दिया। कब करा है, 3 years लेटर, मतलब 17 में यूज करा, 18 में यूज करा और 19 में यूज करा, ठीक है। ही वॉज चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। वो क्या कर रहा था, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था स्ट्रेट लाइन बेसिस में। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली बात हो सकती है, यहाँ पर एक तो 10% भी दे दिया और यहाँ पर ये भी बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब अब चार्ज क्या करना है, 10% या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट ईयर जो 10% चार्ज करोगे वही आप चार्ज करते रहोगे। एक बार देखते हैं इसको भी, हाउ मच इज चार्ज टू जेरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट फॉर द ईयर ऑफ एंडेड 31 दिसंबर 2019। अब कितना 2019 के एंड में जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, हमारा एसेट परचेज हुई होगी, एसेट जब परचेज हुई है तो डेबिट नॉन करेंट एसेट्स और क्रेडिट कैश, ठीक है। हमने कैश कर लिया, कैश दे दिया, नॉन करेंट एसेट परचेज कर ली, ये तो कभी कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2017 को। फिर हमने क्या करा, 31 दिसंबर 2017 को डेबिट करा डेप्रिसिएशन और क्रेडिट करा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज इन जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। अब हमने परचेज करा था ये 5,000 में, 5,000 का 10% कितना हो गया, 500, तो फर्स्ट ईयर में 500 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 500 डेप्रिसिएशन आया। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, सेम परचेज हुआ होगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम हुआ होगा। अब आ गए हम 31 दिसंबर 2019 में, कैरिंग वैल्यू क्या होगी हमारी, कैरिंग वैल्यू है
5000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जो लास्ट 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे, 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन हो गया 1500, क्योंकि 500 पर ईयर इंटू 3, तो हमारी वैल्यू है कैरिंग वैल्यू 3500, 3500 कैरिंग वैल्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्पोजल कर रहे हैं, तो डिस्पोजल के लिए हमारी क्या एंट्रीज है, हमने ऊपर देखा है डिस्पोजल की हमारी एंट्रीज है, सबसे पहले तो डिस्पोजल होगा और नॉन करेंट अकाउंट आ जाएगा, तो फर्स्ट हमारा डेबिट डिस्पोजल, क्रेडिट नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट हमारी कितने से रिमूव हो जाएगी, 5000 से, 5000 से रिमूव होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हमारे डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज करा उसको भी करना है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा 1500, किससे, क्रेडिट हो जाएगा हमारा डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट 1500, ठीक है। और क्या होगा, अब कैश रिसीव होगा, कैश कितना रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट डिस्पोजल, कैश कितना रिसीव हुआ हमें, कैश रिसीव हुआ है 1500, तो अब इसमें लॉस कितना होगा, लॉस देखते हैं कि लेजर अकाउंट बनाने के बाद, लेजर अकाउंट हमने क्या देखा था, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, डिस्पोजल अकाउंट कॉस्ट 5000, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500, प्रोसीड्स 1500, तो अब यहां पे लॉस कितना हो गया, हमें यहां पे लॉस हुआ है 2000 का, तो लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया 2000, और ये हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। हमारी सारी एंट्री आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया यहाँ पर, प्रोसीड्स क्रेडिट हो गई, और लॉस जो था वो भी यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में आ गया। हमारी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट 5000 थी, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डिस्पोजल क्या हो सकता है, पार्ट एक्सचेंज में हो सकता है, पार्ट एक्सचेंज का मतलब कि हम एक एसेट को सेल कर रहे हैं, उसमें उस एसेट की हाफ तो वैल्यू कैश में मिल गई और हाफ क्या हो गया, एक एसेट आ गई है, तो हम क्या करेंगे, जो एसेट आएगी उसको क्या करेंगे, नॉन करेंट एसेट अकाउंट में डाल देंगे, मतलब हमारे पास कोई एसेट आ रही है तो मतलब एसेट क्या हो रही है, एसेट बढ़ रही है, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और क्या होगा, नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कोई न्यू एसेट पे हमने कैश पे करा है तो कैश की एंट्री भी लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट, रिवैल्यूएशन क्या होता है, इसको रीड करते हैं और अच्छे से इसको भी समझ लेते हैं। आईएएस 16 सेज इफ एन एसेट कैरिंग अमाउंट इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, द इंक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम क्या करेंगे, उस पर रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, मतलब रिवैल्यू कर रहे हैं तो रिवैल्यू पर क्या हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। सपोज करते हैं मैंने एक प्लांट खरीदा था, मैंने कार खरीदी है, वो एंटीक कार थी तो 50,000 की जब मैंने खरीदी थी, अब वो 2 साल बाद क्या हुआ, वो 60,000 की हो गई, तो 60,000 की वैल्यू हो गई है, 10,000 की वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एसेट को रिवैल्यू कर दूंगा, कितने से, 10,000 से, तो अब कैरिंग अमाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, 60,000, क्यों, क्योंकि वो रिवैल्यू हो गई। लेकिन ये जो प्रॉफिट है 10,000 का, ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्यों जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन ये रियलाइज नहीं हुआ, मतलब ये तो प्रॉफिट सिर्फ नेम के लिए है, रिवैल्यू हुआ है, मेरे हाथ में तो कोई कैश नहीं आया ना, 10,000 मेरे हाथ में थोड़ी आए हैं, मेरे पास अभी भी एसेट है, लेकिन वो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, कहां पर, रिवैल्यूएशन सरप्लस हेड में। रिवैल्यूएशन के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, नॉन करेंट एसेट, अगर नॉन डेप्रिसिएटेड एसेट है, नॉन डेप्रिसिएटेड एसेट कौन सी होती है, हमारी लैंड, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो
हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, नॉन करेंट एसेट बढ़ जाएगी, किससे बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस से। लेकिन अगर कोई एसेट कैसी है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, फिर नॉन करेंट एसेट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं तो और इजीली ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जे ओन्स अ फैक्ट्री, द प्रमाइसेस वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 400,000, डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यूजफुल लाइफ ऑफ अ फैक्ट्री इज 10 ईयर्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट इज 2,40,000 एंड जे नाउ विशेज टू रिवैल्यू द फैक्ट्री प्रमाइसेस टू 600,000 ऑन 1 जनवरी 2007 टू रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक जे है, उसके पास एक फैक्ट्री है, जब उसने परचेज करी थी तब कितने में परचेज करी थी, 400,000 पे। उस फैक्ट्री में वो डेली हर ईयर क्या कर रहा था, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, 40,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 6 ईयर तक उसने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, 6 ईयर तक डेप्रिसिएशन आ गया 2,40,000। अब जब 7th ईयर का स्टार्ट है, मतलब अभी 4 ईयर और बच गए हैं उसमें, 4 ईयर्स और बच गए हैं रिमेनिंग लाइफ में, तो 7th ईयर में उसने क्या करा, उस वैल्यू को रिवैल्यू कर दिया, मतलब उस फैक्ट्री की वैल्यू को रिवैल्यू कर दिया। कितने तक, 600,000 तक, मतलब 6 लाख तक, जो भी उसकी वैल्यू बची है उसको 6 लाख तक उसने रिवैल्यू कर दिया, 6 लाख तक रिवैल्यू कर दिया। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस आफ्टर द अकाउंटिंग फॉर दिस ट्रांजेक्शन, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करा, 1 जनवरी 2001 में डेबिट करा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, और क्रेडिट करा कैश, कितने, क्योंकि हमने कैश पे करा होगा उस पर, 400,000 400,000। फिर हमने लास्ट में 31 दिसंबर 2001 में डेप्रीसिएशन चार्ज करा, डेप्रीसिएशन कितना, 10%, 40,000 क्रेडिट हो गया होगा हमारा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 40,000। ठीक है, ये तो हमारा 1st ईयर हो गया। अब 6 ईयर तक हम ऐसे ही करेंगे, तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, कॉस्ट 400,000 लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,40,000, और कैरिंग वैल्यू आ गई हमारी, कैरिंग वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री, कैरिंग वैल्यू 1,60,000। ठीक है, अब ये 1,60,000 में वैल्यू रिवैल्यू हो रही है, रिवैल्यू कितने तक हो रही है, 6 लाख तक। तो रिवैल्यूशन सरप्लस का अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 लाख माइनस 1,60,000, 440,000। ठीक है, हमारा रिवैल्यूशन सरप्लस निकल गया। जो भी कैरिंग अमाउंट है, जितने भी अमाउंट से रिवैल्यू हो रही है, वो उसका बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा 440,000। अब हमारा एंट्री में देखे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 2,40,000, और क्रेडिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस 4,40,000। तो हमारी एसेट कितने से बढ़ गई, हमारी एसेट बढ़ गई है नॉन करेंट एसेट 2 लाख से। 2 लाख से कैसे बढ़ गई, 4 लाख में हमने परचेज करा था, 4 लाख परचेज में 6 लाख तक उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो कितने से बढ़ गई हमारी नॉन करेंट एसेट की वैल्यू, 2 लाख से बढ़ गई, और टोटल रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना हो गया, 4,40,000। 4,40,000 में 200,000 तो हमारी एसेट का है और 2,40,000 डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट। अब हमने क्या क्या देखा, हमने एक एसेट परचेज करी थी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते हमने क्या कर दिया, उसका डिस्पोजल कर दिया। डिस्पोजल करने से पहले हमने
एक एसेट को रिवैल्यू कराता तो रिवैल्यू भी देख लिया। अगर हमने किसी एसेट को रिवैल्यू कराया तो अगर उसका कोई डिस्पोजल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हो सकती है वो देखना है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। IS-16 सेज दैट इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड द एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू विच द एसेट बिलोंग्स शैल बी रिवैल्यूड। पूरा जितनी भी एसेट है जो भी क्लास में बिलोंग करता है, मतलब अगर नॉन करेंट एसेट को रिवैल्यू कराए तो वो पूरी क्लास को हमने क्या करना है, उसको रिवैल्यू करना है, मतलब रिव्यू तो करना ही है। या तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिर्फ एक एसेट को हम रिवैल्यू नहीं कर सकते। द एक्सेस ऑफ द न्यू एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द ओल्ड डेप्रिसिएशन चार्ज मे बी सब्जेक्ट टू ऑफ एन एनुअल ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब क्या होगा जब हम एक एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं, रिवैल्यू करने से क्या होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो एसेट की जब वैल्यू बढ़ रही है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो भी बढ़ता रहेगा। अब वो क्यों बढ़ता रहेगा, अब एक एसेट थी, अब जैसे हमारी जो लास्ट एसेट थी उस पर हमारा कितना परचेज करा था, हमने 4 लाख में परचेज करी थी, उस पर ईयरली हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था, 40,000 का। लेकिन अब वो कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई है, 6 लाख हो गई है, 6 लाख हो गई है। 6 लाख में अब उसके रिमेनिंग ईयर कितने बचे हैं, सिर्फ 4 ईयर्स बचे हैं, क्योंकि 10 ईयर्स टोटल वैल्यू थी, 6 ईयर तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया अभी भी, लेकिन इसमें 4 ईयर्स बचे हैं तो 4 ईयर्स पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो कितना होगा वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यहां पर, डेप्रिशिएट द फैक्ट्री फर्दर आफ्टर रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड ट्रांसफर एनी एक्सेस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये 4,40,000 कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई 6 लाख पूरी, अब ये 6 लाख है हमारी न्यू करंट एसेट की वैल्यू, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेबिट क्रेडिट डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 6 लाख पर रिमेनिंग वैल्यू यूजफुल लाइफ कितनी रह गई है, इस पर रेजिडुअल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, यूजफुल लाइफ इसकी 4 ईयर्स रह गई है, तो 4 ईयर्स करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 आया। अब इसमें से रूल क्या कहता है, ये 16 का क्या रूल कहता है कि जो भी इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन है, जो ओल्ड एसेट से एक्सेस है, ओल्ड एसेट पे हमारा कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता था 40,000, और इस न्यू एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 1,50,000, तो जो ये एक्सेस अमाउंट है, जो 1,10,000 हम एक्स्ट्रा डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको पीएनएल की जगह हम क्या करते हैं, इसे रिटेन अर्निंग में सेंड कर देते हैं। रिटेन अर्निंग में कैसे जाएगा, ये डेबिट तो होगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि ये पहले क्या हो गया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया था, तो हमारा जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, जो अभी हमारा इक्विटी में पड़ा हुआ है, वो क्या करेंगे, अब उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम कम कर देंगे। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिवैल्यूएशन सरप्लस से कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज है, डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमने एक वैल्यू, एक मशीन को रिवैल्यू करा, उसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, और वैल्यू बढ़ने की वजह से उसका डेप्रिसिएशन भी बहुत बढ़ गया, तो जो डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आया है, उसको क्या करना है, रिवैल्यू सरप्लस से डिडक्ट करना है, पीएनएल में ऐसे थ्रो नहीं करना, उसमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को 0 करके ना है, उसके बाद अगर कोई डेप्रिसिएशन बचता है तो फिर पीएनएल में जाएगा। तो अभी हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस 4,40,000 है, उसमें से हम 1,10,000 डिडक्ट कर देंगे। अब आते हैं हम इंटेंजिबल एसेट पर, क्योंकि जो टेंजिबल एसेट थी उसकी बात हम अच्छे से कर सके हैं। टेंजिबल एसेट में हमने क्या करा, एसेट परचेज करी, फिर एसेट को रिवैल्यू करा, रिवैल्यू के बाद उसका डिस्पोजल कर दिया। अब आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स पे। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे लिए इनकम जनरेट कर रही है। जैसे फिनट्रैम ग्लोबल, फिनट्रैम ग्लोबल द नेम इज आर गुडविल, जो गुडविल है
उससे क्या हो रहा है, हमारा इनकम, हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमारे लिए वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, एक बार इसको रीड करते हैं। एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ड्राइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट्स लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, इसमें कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, इसको हम टच नहीं कर सकते, सी देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। इट इज आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम गुडविल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एसेट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स में क्या होता है, फिजिकल सब्सटेंस होता है, कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट इज कैपिटलाइज्ड। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट नॉर्मली हैव फिजिकल सब्सटेंस, इंटरनल जनरेटेड एसेट्स मे नॉट बी कैपिटलाइज। इंटरनल जनरेटेड कैपिटल एसेट्स क्या होता है, जैसे अगेन फिनट्रैम ग्लोबल, ये तो हमारा खुद का सेटअप है, हमने खुद अपनी गुडविल बनाई है, सो वो ये एसेट तो है हमारे लिए, लेकिन इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हमकी वैल्यू हम इसको मेजर नहीं करते। अब इसकी वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन इफ वी आर गोइंग टू गेट अनदर एंट्री, अनदर एंटिटी, अगर हम कोई अदर एंटिटी को परचेज करते हैं, अगर उनका नेम परचेज करते हैं, तो वो उनकी जो गुडविल होगी उसका वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। जो भी मेजर करेंगे तो वो जो परचेज्ड गुडविल है वो मेरे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में लिख सकता हूँ, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में रख सकता हूँ। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड है, जैसे खुद की गुडविल जनरेटेड है, नेम है हमारा अभी भी, लेकिन वो इंटरनली जनरेटेड है, तो हमारी वो फाइनेंशियल पोजीशन में वो नहीं आ सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ लिमिटेड परचेज्ड अ पेटेंट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स फॉर 30,000 ऑन 1 जनवरी 2009। ठीक है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2009। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट्स निकालने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो हमारा सबसे पहले तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें क्या चार्ज होगा, हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जैसे हमारी टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स पे एक डेप्रिसिएशन होता है, उस डेप्रिसिएशन का नेम होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, हमारी 30,000 की वैल्यू है 10 ईयर्स तक के लिए, तो क्या है, अमोर्टाइजेशन हो जाएगा 3,000, तो ये पीएनएल में चला जाएगा हमारा 3,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में क्या आएगा, पेटेंट 27,000। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट बन गया, हमारा ये अमोर्टाइजेशन था पीएनएल में 3,000 गया, और पेटेंट कितनी वैल्यू रहेगी उसकी 27,000, क्योंकि ऐसे ही हम टेंजिबल एसेट्स में करते थे, कैरिंग वैल्यू में से जो भी उनकी कॉस्ट में से अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, तो यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं उसमें जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो कैसे इंटेंजिबल कैसे हुई है, वो इंटेंजिबल मतलब हमने कोई ना कुछ रिसर्च की होगी, कोई ना कोई डेवलपमेंट की होगी, उससे जो हमने एक एसेट क्रिएट करी है वो भी हमारे लिए क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट्स होगी। और अगर कोई हमने फिजिकल सब्सटेंस है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट्स में, तो वो हमारे लिए क्या होगी, टेंजिबल एसेट्स होगी। तो जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं किसी एसेट्स को, तो उनको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग रूल्स हैं, कुछ एक्सपेंसेस तो क्या होंगे, पीएनएल में चले जाएंगे, और कुछ एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो हमारी बैलेंस शीट में आएंगे। अब वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऐसे वो रीड करते हैं। IAS 38 डिफाइंस रिसर्च एज ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे एक कंपनी है, हर ईयर वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है,
न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले काफी सारी रिसर्च करती है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा, ये प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, इसमें क्या क्या एडिशन कर सकते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये सब रिसर्च करती है और फिर उस प्रोडक्ट को क्या करती है, डेवलप करती है और फिर वो प्रोडक्ट को क्या करती है, मार्केट में लॉन्च कर देती है। मोस्टली हर कंपनी से ऐसा करती है, जो भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं वो अपने आप ही रिसर्च करती हैं और डेवलप करती हैं उन प्रोडक्ट को और फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्च, रिसर्च का क्या मतलब है, ओरिजिनल एंड प्लांट इन्वेस्टिगेशन। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में मतलब किसी का जो ऑलरेडी एक एसेट मार्केट में है आप उसी को दोबारा बना रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल प्लांट इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब ओरिजिनल रिसर्च नहीं है आपकी, ये तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू प्लान और डिजाइन द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड मटेरियल्स, डिवाइस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम एंड सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और यूज। डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जो हमने रिसर्च करा, हमने एक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे और वो प्रोडक्ट के बारे में हमें एप्लीकेशन मिल गई, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स समझ लिए, सारे डेवलपमेंट करके देख लिया, रिसर्च करके देख लिया और वो प्रोडक्ट क्या है, डेवलपमेंट स्टेज पर आ गया है। मतलब डेवलपमेंट स्टेज का मतलब ये है कि अब उस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑल रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज इनकर्ड। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज एंड डेप्रिशिएटेड एज नॉर्मल इन अकॉर्डिंग विद IAS 16। अकॉर्डिंग टू IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, डेवलपमेंट कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट्स इफ दे मीट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। IAS 38 क्या है, IAS 38 एक न्यू लॉ है किसके लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स का जो लॉ है वो कहता है कि जितना भी आपने डेवलपमेंट पे खर्चा करा है, रिसर्च पे नहीं, रिसर्च का खर्चा तो आप क्या करेंगे, आप PNL में एज एन एक्सपेंस शो कर देंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट पे खर्चा करा है, जो आपने एसेट क्रिएट करी है, उसको क्या कर सकते हैं, एज ए इंटेंजिबल एसेट अपनी बैलेंस शीट में रख सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी कंडीशन के बाद, टेक्निकल फिजिबिलिटी टू कंप्लीट द एसेट, कंपनी उसको कंप्लीट कर सकती है, मतलब कंपनी उसको एसेट को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब जो भी टेक्निकल फिजिबिलिटीज होगी, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कंपनी के पास ऑलरेडी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो पर्सनल्स हैं, उनके पास अपनी टीम है, उनके पास टेक्निकल फैसिलिटीज है जिससे वो अपना प्रोडक्ट क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। इंटेंशन टू कंप्लीट और सेल और यूज फॉर ओन बेनिफिट्स, कंपनी का इंटेंशन क्या होना चाहिए, या तो कंप्लीट करें और उसके बाद या तो वो किसी को सेल कर दें या फिर उसका खुद का यूज करें। अगर एक कंपनी की इंटेंशन ऐसी नहीं है, कंपनी बस ऐसी शौक के लिए एसेट बना ली, उसका ना तो यूज करने वाले हैं ना किसी को सेल करेंगे, तो ये उनके लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका सारा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, PNL में चला जाएगा। एबिलिटी टू सेल और यूज फॉर ओन बेनिफिट्स, वो एक एसेट तो बना ली, इंटेंशन थी कि कंपनी ने एसेट सेल करनी है, लेकिन अगर वो सेल ही नहीं हो रही मार्केट में और उसका कुछ पर्सनल यूज भी नहीं हो रहा मार्केट में, तो वो क्या होगा, वो तो एसेट बेकार की है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एडिक्वेट फाइनेंस टू कंप्लीट द एसेट, अब जो एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट रिसर्च और डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, अगर कंपनी के पास फाइनेंस ही नहीं है कंप्लीट करने का, तो वो कभी एसेट कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, तो जो भी डेवलपमेंट का खर्चा है क्या वो बीच में रह जाएगा, और कंपनी उसको कंप्लीट नहीं कर सकती तो वो सारा खर्चा फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं आ सकता, वो कहाँ जाएगा, PNL में एज एन एक्सपेंस चला जाएगा। रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंस करा है कंपनी ने उसका रिलायबल मेजरमेंट हो सकता है, जितनी भी सैलरीज दी होंगी, उसके इनवॉइसेस हो, जितना भी खर्चा करा है उसका इनवॉइसेस हो, जो भी अदर एक्सपेंडिचर हुआ डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनका सभी खर्चा रिलायबली मेजर्ड कर सकती है। अगर ये सारी कंडीशन मीट हो जाती है तो आप एक एसेट को एज ए इंटेंजिबल एसेट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अब उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। इंटेंजिबल IAS 38 इंटेंजिबल एसेट सेज दैट इंटेंजिबल एसेट शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। मेजर कैसे होगी, जितना भी हमने कॉस्ट इस पर खर्चा किया है, जितना भी कॉस्ट लगाई है हमने, उसी कॉस्ट पर क्या होगी, उसकी वैल्यू कहां पर शो करेगी, हमारी फाइनेंशियल पोजिशन में।
ठीक है, अगर उसकी कोई यूजफुल लाइफ है, अगर वो उसकी इंडेफिनेट लाइफ है, उसको आप जिंदगी भर यूज कर सकते हैं, तो उस पर तो कोई अमोर्टाइजेशन होगा ही नहीं। उस पर क्या होगा, इम्पेयरमेंट का रिव्यू होगा, कहीं वो एसेट की वैल्यू कम तो नहीं हो रही है, वो भी ईयरली होता रहेगा। अगर उसकी वैल्यू क्या है, उसकी यूजफुल लाइफ इंडेफिनेट है, अगर उसकी यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स 10 ईयर्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट से अमोर्टाइज करते रहेंगे, और पीएनएल में हर ईयर एज ए डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज कॉस्ट डालते रहेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, IAS 38 परमिट ईदर द कॉस्ट मॉडल और द वैल्यूएशन मॉडल टू बी यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इफ द कॉस्ट मॉडल इज अप्लाइड एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी कैरिड एट कॉस्ट लेस एनी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और एनी अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। अगर आप इंटेंजिबल एसेट पे कोई और सब्सिक्वेंट खर्चा कर रहे हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट डेवलप्ड करा, प्रोडक्ट में क्या करा आपने, एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया ताकि वो और बेटर हो जाए, तो उसको इंग्रेडिएंट को ऐड करने की वजह से जो जितना भी खर्चा आया है वो भी आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड। अ ट्रक बॉट फॉर बिजनेस कॉस्ट 20,000, इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स एंड देन बी सोल्ड फॉर स्क्रैप फॉर 5,000, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द ट्रक। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 MCQ दे रखे होंगे, क्वेश्चन आपके नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड हो सकता है। इसमें क्या दिया हमें, डिटेल क्या दी है हमें, डिटेल दी है 20,000 का ट्रक था, 5 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ है, एड सोल्ड हो जाएगा कितने में, 5,000 में। ठीक है, 5,000 में सेल हो जाएगा ये, मतलब इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, यूजफुल लाइफ इतनी है, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन पर ईयर का आएगा 3,000। अब हमारे ऑप्शंस में देखना है क्या 3,000 है हमारे पास, यस हमारा सी क्या है, 3,000 है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन करेंट एसेट्स अकाउंटिंग इज करेक्ट। ऑल नॉन करेंट एसेट शुड बी रिवैल्यूड ईच ईयर, क्या सारी नॉन करेंट एसेट को रिवैल्यू करना होता हर ईयर, सारी एसेट्स को तो करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार रिव्यू कर रहे हैं तो उसके बाद सेम क्लास को रिव्यू करना है, सारी एसेट्स को नहीं, सिर्फ सेम क्लास को, तो ये क्या है हमारा, रॉन्ग है। बी क्या है हमारा, नॉन करेंट एसेट्स मे बी रिवैल्यूड एट द डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजमेंट, वंस रिवैल्यूशन हैज अकर्ड इट मस्ट बी रिपीटेड रेगुलरली फॉर ऑल नॉन करेंट एसेट्स। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये तो क्या है कि मैनेजमेंट ने एक बार डिसाइड करा एक एसेट को रिवैल्यू करने का, अब वो क्या करेगी, हर ईयर उसको रिवैल्यू करेगी और सेम क्लास की एसेट्स को ही रिवैल्यू करेगी, सारी एसेट्स को नहीं, सिर्फ सेम क्लास की, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन लास्ट के ऑप्शन भी एक बार रीड कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक तो लगता है लेकिन लास्ट के ऑप्शन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है और आपका आंसर गलत हो सकता है, तो एक बार देखते हैं सी क्या कहता है। मैनेजमेंट कैन चूज विच नॉन करेंट एसेट इन अ क्लास ऑफ नॉन करेंट एसेट शुड बी रिवैल्यूड, क्या मैनेजमेंट चूज कर सकती है, नहीं, तो ये भी क्या है हमारा, गलत है। डी क्या है हमारा, नॉन करेंट एसेट शुड ओनली बी रिवैल्यू टू रिफ्लेक्ट राइजिंग प्राइजेस, नहीं ये भी गलत है। इसका ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि नॉन करेंट एसेट तभी रिवैल्यू होनी चाहिए जब हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, नहीं, अगर आपकी वैल्यू घट रही है तभी आपको क्या करना है, रिवैल्यू तो करना ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, हमारा राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट, एसेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या होगा, इट्स कॉस्ट लेस एनुअल डेप्रिसिएशन, नहीं एनुअल डेप्रिसिएशन तो नहीं था हमारा, क्या था, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो ऑप्शन है हमारे पास। हाँ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये क्या है हमारा, सही आंसर है। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए और हमारा ये टेंजिबल एसेट और नॉन टेंजिबल एसेट्स जो हमारी थी हमने कंप्लीट कर ली। हमने क्या क्या देखा इस सेशन में, हमने देखा कि हमने एक एसेट परचेज करी है, एसेट परचेज करने के बाद हमने उसको रिवैल्यू करा, रिवैल्यू करने के बाद हमने उसको डिस्पोजल कर दिया, डिस्पोजल की वजह से जितना भी एक्सेस डेप्रिसिएशन आया वो कहाँ चला गया, हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो हमारी ये तो टेंजिबल एसेट से रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई। उसके बाद हमने देखा IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें क्या था, हमारी एक एसेट थी जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं था, मतलब वो कौन सी हो सकती है, या तो इंटरनली जनरेटेड या फिर एक्सटर्नली परचेज। इंटरनली जनरेटेड क्या हो सकती है, हमारी गुडविल, एक्सटर्नली परचेज भी हो सकती है गुडविल, अगर हमने किसी और कंपनी को परचेज करा है और उसकी कोई गुडविल परचेज करी है, तो अगर कोई एक्सटर्नली परचेज है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजिशन में लिख सकते हैं।
अगर हमने खुद ने डेवलप करी है, गुडविल को छोड़ के कोई भी एसेट हमने जो डेवलप करी है जिसका हम मेजरेबल मतलब रिलायबल मेजर कर सकते हैं, उसको भी हम अपनी क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने सारे क्वेश्चंस देखे, अब आपको क्या करना है, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से बेटर प्रिपेयर करना है। विद दिस आई एम हर्ष जैन साइनिंग ऑफ नाउ।